ये ट्रांसपोर्ट नगर में इस वक्त हम हैं नरवाल में, और अभी कुछ देर पहले ही कुछ स्थानीय लोगों को यहाँ स्मेल आ रही थी, और इस टैंकर को जब चेक किया गया, ये सामने जो ऑयल टैंकर है इसे अंदर से देखा गया या ऊपर से जो इसका ढक्कन है उसे खोलकर देखा गया, तो नज़र आया कि एक लाश जो है, एक डेड बॉडी जो है वो इस टैंकर के अंदर पड़ी हुई थी। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो टैंकर है, अभी उन्हें भी इतना मालूम नहीं, लेकिन उनका कहना है कि 2-3 दिन से बताया जा रहा है कि ये टैंकर यहीं पर इस जगह पर ही खड़ा था, और अभी जिस तरह से स्मेल अगर हम भी देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्मेल है यहाँ पर इस टैंकर से आ रही है। और जब उन लोगों ने चेक किया कि क्या स्मेल इस चीज़ की क्यों आ रही है, क्या चीज़ है अंदर, और गाड़ी के अंदर देखा तो कुछ नहीं था, और जब टैंक के ऊपर का हिस्सा खोला गया, ऊपर ढक्कन की बात की जाए तो जब ढक्कन खोला गया तो उस ढक्कन के अंदर से जो है एक डेड बॉडी पाई गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो डेड बॉडी जो है शायद उसे काट कर फेंका गया है, ये चीज़ें भी सामने आ रही है। हालांकि ये खुलासा चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं ऊपर बड़े अधिकारी पुलिस के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, देखा जाएगा कि कौन ये व्यक्ति था, क्योंकि ये 2-3 दिन की अगर इसमें स्मेल की बात की जा रही है कि इस डेड बॉडी से स्मेल आ रही है, पहले से कब से ये पड़ी हुई थी वो जाँच का विषय ही रहेगा। अभी भी बात की जाए तो हम टैंकर से काफ़ी दूर हैं, 30 फीट की बात की जाए तो उस टैंकर से हम दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो स्मेल की बात की जाए, जो दुर्गंध है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इस टैंकर से आ रही है। और फिलहाल उस टैंकर के पास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, जो गाड़ियाँ हैं उनको आवाजाही के लिए जाने दिया जा रहा है, और फिलहाल देखा जाए तो वो पुलिस के जो अधिकारी आप देखें तो वो ऊपर उस टैंकर के खड़े हैं, जो होल है जो इस टैंकर के अंदर जाने का जो रास्ता है उसमें से वो देख रहे हैं कि डेड बॉडी जो उनको दिखाई दे रही है उसको पूरा वो देख रहे हैं, और अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा कि ट्रक किसका है ये देखा जाएगा, और कौन इस ट्रक का चालक है, ड्राइवर कौन है, इस कंडक्टर कौन है इसका, कब से ये ट्रक खड़ा था और क्या पूरी वजह रही, कौन वो व्यक्ति है, क्या वो ट्रक का चालक है, ड्राइवर है या कोई और है, या किसी और को ही इस ट्रक में मारकर जहाँ क्या चीज़ें रही उसको अंदर फेंका हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये आने वाले समय पर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट जो है, ये जो डेड बॉडी फाउंड हुई है ये नरवाल का एरिया है, ट्रांसपोर्ट नगर की बात की जाए तो वहाँ का एरिया है, ऑयल टैंकर यहाँ पे है, ऑयल टैंकर के ऊपर जो उसका जहाँ पे ऑयल फिल किया जाता है उसके ढक्कन के अंदर खोला कर देखा गया, जो स्थानीय लोग थे जो स्मेल उनको आई यही बताया जा रहा है कि उन्होंने देखा तो अंदर लाश थी, और यहाँ पर एक स्थानीय से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो लाश है शायद वो कटी हुई है, ये भी उनका कहना था, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, ये लोकल लोगों का, ये स्थानीय लोग यहाँ पर काम करते हैं जिनका रोज़गार है उनका कहना था। और अभी आप देख सकते हैं पुलिस ऊपर मौजूद है, और अब इस डेड बॉडी को इस टैंकर में से भी निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर वो व्यक्ति है क्या है, क्योंकि जिस तरह की स्मेल जो है वो देखी जा रही है, हो सकता है कि बॉडी जो है पूरी डिकम्पोज जो है वो हो गई हो, पहचान पाना भी मुश्किल हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऑयल टैंकर के अंदर वो बॉडी जो है किसी ने फेंकी हुई है इस तरह से। अब सारी चीज़ें, अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा वो देखने वाली बात होगी। पुलिस अब थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँची है, और पुलिस को देखा जाए तो अभी, क्योंकि टैंकर के अंदर जिस तरह अगर बाहर की बात की जाए दिन का समय है ये, लेकिन टैंकर के अंदर पूरा अंधेरा है, और टॉर्च देखी जाए मोबाइल की वो जलाई हुई है, और टॉर्च जलाकर पूरी तफ्तीश जो है वो अंदर की जा रही है। अब शायद टीम को भी अंदर भेजा जाएगा जो अंदर से उस डेड बॉडी को निकालेंगे, और फिर इसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेजा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें जो है हम ट्रांसपोर्ट नगर जो नरवाल का है वहाँ से दिखा रहे हैं। अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है कौन वो व्यक्ति है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी उसे देखा, पहचान नहीं पाए हैं, शायद वो अभी पहचानने की हालत में अगर देखा जाए तो वो डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि कब से वो डेड बॉडी पड़ी है, कब से ये ट्रक है ये भी किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं इस ट्रक को देखते हुए, जिन्होंने इस ट्रक को देखा है यहाँ पर लगे हुए, ऑयली टैंकर ये ट्रक है, और उसी के ढक्कन के अंदर जो है खोलकर देखा गया तो वो डेड बॉडी जो है वो अंदर पड़ी हुई थी।
और मुश्किलात की बात की जाए तो वो भी पुलिस वालों को देखने को मिले, क्योंकि पेड़ के साथ है, पेड़ की काफ़ी टहनियां जो है उनके साथ भी उन्हें मुश्किलें जो हैं वो आ रही हैं, और पेड़ की टहनियां फ़िलहाल काट दी गई हैं और अब डेड बॉडी को निकालने का काम जो है वो किया जाएगा। वो फ़िलहाल देखें तो क्योंकि स्मेल देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी इतनी दूर हम खड़े हैं और यहाँ तक जो है वो स्मेल आ रही है, और पुलिस की बात की जाए तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी परेशानियाँ देखने को मिल रही होगी। अब देखा जाएगा कि क्या पूरा मैटर रहेगा। अगर ट्रक की बात की जाए, नंबर की बात की जाए, हम ट्रक नंबर आपको बता देते हैं। जो ट्रक का नंबर है वो है JK02AP7532 जो है ट्रक का नंबर है, और टीम फ़िलहाल ऊपर मौजूद है। और अगर इस एरिया की बात की जाए तो फ़िलहाल आगे पीछे भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो पहुँची हुई है। इस पूरे इलाके को फ़िलहाल जो है वो टीम द्वारा पूरा घेर लिया गया है, और गाड़ियों को भी आवाजाही कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए उन्हें भी सुचारू रूप से चलाना है वो भी जाने दी जा रही है। यहाँ पर रुकने की अगर गाड़ियों की बात की जाए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है रुककर देखना चाहता है आखिर हुआ क्या है, अभी मालूम किसी को नहीं है, लेकिन सभी कोई रुक के देखने जाते हैं, और उस चीज़ को देखते हुए पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और सबको यहाँ से आगे पीछे जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कोई जो बाधा है वो इस वक्त ना पड़े। और ये देख सकते हैं अभी देखा जाएगा कि कौन टीम जाएगी, को किसके किनके द्वारा जो है अब ये डेड बॉडी है जो निकाली जाएगी। नंबर की बात की जाए, मैं इस टैंकर का अगर आप नंबर बता दूं, नंबर है JK02AP7532। ये नंबर है इस टैंकर का, ऑयल टैंकर है, इंडियन ऑयल टैंकर है ये। और अब पूरी बात इन्वेस्टिगेशन पे ही रहेगी, क्या क्या चीज़ होगी, क्या वो ड्राइवर है जो व्यक्ति अंदर है, क्या वो इस ट्रक का चालक था या कंडक्टर था, क्लीनर था, कौन था, या कोई और व्यक्ति था जिसे मारकर इस ट्रक में फेंका गया है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल बड़ी जो मशक्क़त जो है वो पुलिस को करने को मिल रही है वो है इस डेड बॉडी को इस टंकर से बाहर निकालना, क्योंकि बॉडी जो है यहाँ इस टंकर में पड़ी, और गर्मी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, दो तीन दिन से गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, और ये टंकर जो ऑयल टैंकर है खाली है अंदर से, और कितनी गर्मी इसके अंदर भी, हीट कितनी ज़्यादा होगी, और बॉडी जो है यह डिकम्पोज हो चुकी होगी, और स्मेल काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक भी है जो आ रही है इस ऑयल टैंकर के अंदर से डेड बॉडी की। हालांकि पुलिस की टीम यहां के जो लोग खड़े हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप यहां से निकलिए, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने दीजिए, आपका यहां काम नहीं है, आप यहां से निकल जाइए यहां से लोगों द्वारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा यहां पर हो गया है, गाड़ियां जितनी भी है ट्रांसपोर्ट की यहीं पर आती हैं और यहीं पर कामकाज जो है देखा जाता है, और फिलहाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग खड़े हो गए हैं, उनको भी नहीं मालूम कि क्या है, क्योंकि अभी धीरे धीरे ही जिस तरह से लोगों को मालूम हो रहा है कि डेड बॉडी जो है यहाँ पर फाउंड हुई है, उसके बाद लोग भी यहाँ पर जो है धीरे धीरे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। यहाँ अगर इस ड्राइवर का नाम जो इस गाड़ी के सामने लिखा हुआ है इस खिड़की पर देखा जाए तो भरत सिंह ड्राइवर का नाम जो है वो दिया गया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा कि आखिर वो व्यक्ति है तो है क्या, लेकिन सबसे बड़ी मशक्क़त यही है कि उस बॉडी को किस तरह से निकाले बाहर, वो बड़ी मशक्क़त है, वो पुलिस की टीम उसी चीज़ के लिए लगी हुई है। फ़ोन भी किया जा रहा है, कुछ और लोगों को भी शायद बुलाया जाएगा यहाँ पर जिनके द्वारा ये डेड बॉडी निकाली जाएगी बाहर, और फिर पोस्टमार्टम के लिए इसे जो है जल्द ही आगे के लिए भेजा जाएगा, और फिर पोस्टमार्टम के द्वारा पता चलेगा कि कब से डेड बॉडी जो है यहाँ पर इस टैंकर में पड़ी थी, क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ कि वो उसकी जो मृत्यु है जो वो हो गई है, वो सारा अब इन्वेस्टिगेशन मैटर जो है वो देखने में आएगा आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल पुलिस की टीम को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त जो है वो यहाँ पर करने पड़ रही है, और वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए इनके द्वारा, ये देखिए टॉर्च जो है इनके द्वारा टॉर्च जो है वो भेजी गई है, और ये कुछ और शायद पैकेट में भेजा गया है,
और वो देके दिया जा रहा है शायद अब टॉर्च के, क्योंकि अगर मोबाइल टॉर्च की बात की जाए शायद इतनी रोशनी नहीं उसके अंदर ऑयल टैंकर के अंदर वो देखने को मिल रही थी मोबाइल टॉर्च के ज़रिए। अब एक और टॉर्च जो है वो भेजी गई है, अब उससे जो है देखा जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से खुद जो दीपक पठानिया है वो इस पूरी चीज़ को तफ्तीश में देख रहे हैं, और खुद उन्होंने ही दीपक पठानिया खुद उन्होंने ही टॉर्च पकड़ी हुई है, उनके द्वारा देखा जा रहा है उस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अंदर है जिसकी भी लाश है उसको देखा जा रहा है। हालांकि टैंकर के पास अगर बात की जाए तो किसी भी और व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सभी को कहा जा रहा है कि आप टैंकर से दूर रहें, आपको नज़दीक नहीं जाना है। इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं बाधा जो है वो पुलिस की टीम नहीं चाहती है। और नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर नंबर की बात की जाए JK02AP7532 इस टैंकर का नंबर है। जो ड्राइवर का नाम है वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि वो उस पर मेंशन था, जो खिड़की है वहाँ पर मेंशन किया हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था। और फिलहाल अभी सबसे बड़ी मशक्क़त यही है कि इस डेड बॉडी को किस तरह से इस ऑयल टैंकर के अंदर से बाहर निकाला जाए, ये बड़ी मशक्क़त का काम वो देखा जाएगा। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम के लिए जो आगे भेजना है वो काम किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी ये पूरा मैटर जो है पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है उस डेड बॉडी को शायद निकालने में आ रही है, और देखा जा रहा है कि किस तरह से उस डेड बॉडी को इस टैंकर में से निकाला जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि आखिर कौन वो लोग होंगे, क्योंकि अगर ये हत्या का मामला है तो किन लोगों ने इसे इस हत्या को अंजाम दिया, किन लोगों ने इस टैंकर में, इसके बीच में इसकी जो व्यक्ति है उसकी डेड बॉडी को इस टैंकर के बीच में डाला, और कब डाला गया, क्या ये मकान जो है रात के समय, क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिन के समय की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा यहाँ पर रहता है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई सुनसान इलाका ऐसी नहीं है, अगर हम आसपास की अभी भी अगर देखें तो ये सभी लोग जो है ये, और अगर ये सोचने की बात है क्योंकि अभी भी हम आकर दिखाएं आपको यहाँ लोगों को विजुअल दिखाएं, तो ये लोग यहीं पर काम करने वाले लोग हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि पुलिस द्वारा इन्हें यहाँ पर हटाया भी जा रहा है, हटाने की कोशिश भी की है, आप जाइए हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। और ये काफ़ी व्यस्त इलाका है ट्रांसपोर्ट नगर, हर ट्रांसपोर्टर जो है यहाँ पर ज़रूर आता है, गाड़ियाँ यहाँ दिन में काफ़ी ज़्यादा लगी होती है। हालाँकि रात के समय की भी बात की जाए तो रात में भी यहाँ पर चहल पहल अगर देखी जाए गाड़ियों की तो चलती रहती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर है, रात में भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। और अब देखा जाएगा कि किस तरह से इस जो भी अंदर जिसकी भी लाश पड़ी हुई है वो किस तरह से यहाँ पर लाए गए। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो फिलहाल हम आगे पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई सीसीटीवी कैमरा है, वो भी पुलिस द्वारा देखा जाएगा कि अगर कोई आगे पीछे सीसीटीवी कैमरा है वो भी चीज़ देखी जाएगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्लू और मिलेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन होगी पोस्टमार्टम होगा उसके ज़रिए तो ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि कैसे ये किस तरह से, या हत्या का मामला है तो किस तरह से जो हत्या का हुआ है अंजाम दिया हुआ है वो तो बाद में सामने आएगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो चीज़ें और भी समझ में आएगी कि, और ये भी देखा जाएगा कि जो ड्राइवर है वो कौन है, क्या वही ये व्यक्ति तो नहीं है या कोई और है, उनसे भी कॉन्टैक्ट जो है वो किया जाएगा। और किसका ये टैंकर है ये भी देखने वाली बात होगी, क्या जो ड्राइवर है उसी का ये ऑयल टैंकर भी है या किसी और का ये टैंकर है, किसी और का है। हालांकि इंडियन ऑयल की बात की जाए तो उनका ये निशान जो है वहाँ पर लगा हुआ है। और इस तरह के अगर ट्रकों की बात की जाए तो एक ट्रक नहीं है, आगे भी अगर देखा जाए तो इस तरह के काफ़ी लंबे लाइन है इन ट्रकों की लगी हुई है, सभी की लंबी लाइन है। और लोग जो यहाँ, देखिए अभी फ़िलहाल पुलिस द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, जो सिर्फ यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आए हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से खदेड़ा जाए, और बाकी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमें वो करने दी जाए। और फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर ऊपर मौजूद है, और अब यही चीज़ देखी जा रही है कि ये देखिए
एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी दी जा रही है कि क्या चीज़ें की जानी चाहिए, किस तरह से जो डेड बॉडी है उसे बाहर निकालने का काम जो है अभी करना है, क्या चीज़ें करनी है वो चीज़ें अभी ये देखिए अभी देख ली है उन्हें टॉर्च के जरिए, डेड बॉडी को देख लिया है। अभी फ़िलहाल टीम अपना काम जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो वो अपना काम जो है वो निभा रही है और इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ही पूरा पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल बड़ा इनके लिए अभी मैटर यही बना हुआ है कि डेड बॉडी को किस तरह से यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हालत जिस तरह से वो भी देख के टॉर्च के जरिए भी देखा जा रहा है, जो स्मेल की हालत देखी जाए उस वजह से लगता है कि काफ़ी हालत जो है डेड बॉडी की जो यानी कि डेड बॉडी काफ़ी ख़राब हालत में है जो वो देखी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें जो हैं हम ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल से बता रहे हैं आपको। फ़िलहाल अभी अगर देखा जाए तो आधे घंटे से यहाँ पर, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद है और यहाँ आप देखें यही वो टैंकर है, और क्योंकि पेड़ भी साथ में, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो आ रही हैं और पेड़ की टहनियाँ फ़िलहाल काट दी गई हैं। और अभी ये देखें टीम वहाँ पर मौजूद है और यही ट्रक जो है यहाँ पर मौजूद है, और दो तीन दिन से जो लोगों ने कहा है, दो तीन दिन से ये ट्रक जो है यहीं पर मौजूद था, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं है कि गाड़ियाँ यहाँ पर लगी होती हैं और स्मेल काफ़ी ज़्यादा, हम भी अगर नज़दीक जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो स्मेल है वो यहाँ पर आ रही है। लगता है कि डेड बॉडी बिल्कुल उस हालत में, यानी कि डेड बॉडी की हालत काफ़ी ज़्यादा जो है अब ख़राब, जिस तरह से स्मेल भी आ रही है वो लगता है। और अगर ट्रकों की बात की जाए तो यहाँ बेशुमार ट्रक जो है वो लगे होते हैं, यहीं पर ट्रक आता है, यहीं से फिर आगे भी, आगे कुछ जिस चीज़ के लिए जाना होता है यहीं से फिर आगे भी जाता है। दुकानों की बात की जाए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, और गैरेजेस की बात की जाए तो वो भी हैं यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए अभी फ़िलहाल एक पुलिसकर्मी जो है वो नीचे आया है, और वहाँ से भी बात की जाए तो अब अभी कई सुराख जो हैं वो खंगाले जाएंगे, कई चीज़ें और भी निकल के सामने आएंगी, लेकिन बड़ी मशक्क़त है डेड बॉडी को बाहर निकालने की। खुद SHO दीपक पठानिया जो है वो टैंक के ऊपर जो है वो वहाँ पर मौजूद है, उनके साथ उनकी टीम पूरी वहाँ पर मौजूद है, और फिलहाल अभी एक पुलिसकर्मी जो है वो नीचे आ चुका है, और खुद दीपक पठानिया की बात की जाए तो वो ऊपर ही मौजूद है। एक बैग, शायद वो बैग कोई है, एक बैग के ज़रिए निकाला जा रहा है, ये शायद इस ट्रक में से ही ये बैग निकाला गया है।
जिसमें आरसी वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो गाड़ी में रहते हैं वो अभी उनके हाथ में है, और उसके ज़रिए भी जो और सुराग जो है वो देखे जा रहे हैं। फिलहाल उस बैग में से कोई कार्ड निकाला गया है, आप देख सकते हैं खुद दीपक पठानिया जो है वो कॉल कर रहे हैं, शायद पता कर रहे होंगे कि कौन कौन किसका ये ट्रक है और कौन व्यक्ति था, उनको कॉल करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट शायद होंगे जिनको कॉल करके पता चल सकता है, और फिलहाल वो चीज़ें पूरी जो है वो की जा सकती हैं। देखें आप ऊपर तो अपने पास ही उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स का जो बैग है वो रख लिया है। सुराग की बात की जाए क्योंकि क्लू जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिल जाती है। और एक पहला क्लू तो यही है कि सबसे पहले उन्होंने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है उसका बैग निकाला, और उसके ज़रिए अब जो अंदर के डॉक्यूमेंट के ज़रिए जिनका नाम होगा, शायद कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, उसको ट्रेस कर रहे हैं, उनको कॉल किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, कब से वो घर से निकला हुआ है, ये चीज़ें भी ढूंढी जाएंगी, ये भी तफ्तीश का जो मैटर है वो भी खंगाला जाएगा। फिलहाल अभी मैटर जो है यही है कि इस डेड बॉडी को निकालना है और वो चीज़ें जो है वो की जानी है। अब देखिए तो पूरा जो उस बैग में से जितने भी कागज़ हैं वो बाहर निकाले गए, और ये देखिए ये कागज़ को भी खंगाला जा रहा है, नोट किया जा रहा है। ये देखिए एक और कागज़ जो है वो देखा जा रहा है, नाम जो है वो तलाशी किए जा रहे हैं, क्योंकि जिसका ये ट्रक है अगर वही व्यक्ति है तो भी बड़ी बात है कि जिसका ये ट्रक है, या क्या चीज़ें हैं किसी ने पहले पता करने की कोशिश ही नहीं की, क्या वो कहीं जाने वाला था, क्योंकि ट्रक जो है बताया जा रहा है यहीं पर 2-3 दिन से मौजूद था, और अगर यहीं पर मौजूद था तो व्यक्ति को भी किसी ने, क्या उसकी जो व्यक्ति गायब है उसके बारे में किसी ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की, क्या FIR कोई की गई, कि क्या गुम होने की कोई रिपोर्ट है जो लिखाई गई, या जो उसके परिवार के हैं उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि, क्योंकि अगर ऐसा है 2-3 दिन से है तो कॉल तो किसी ने किया होगा, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो व्यक्ति है तो है कहाँ। ये सारी बातें अब जो है वो सामने आएंगी, क्या मर्डर जो है वो किसने किया है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अगर मर्डर हुआ है तो किसने किया है, ये सारी बात होगी। क्योंकि इस तरह से डेड बॉडी इस टैंकर में जाना, कोई खुद तो नहीं जाएगा टंकी में, इस टैंक में खुद तो नहीं गिरेगा, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अगर नशा भी किसी ने किया होगा गिरेगा तो जब उसको होश आएगी तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बात यही है कि अगर ये मर्डर है, जो अभी तक चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर ये मर्डर है तो वो अब और चीज़ें सामने आने वाली हैं, और देखा जाएगा कि किस क्या वजह रही इस मर्डर की, वो चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन पर ही दारोमदार जो है वो इसका रहेगा। फिलहाल ये पूरी जो लाइव अपडेट आप देख रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट नगर से आप देख रहे हैं। एक एक करके जो बैग में से कागज़ निकाले हुए थे, जो डॉक्यूमेंट निकाले हुए थे, उन्हें खंगाला जा रहा है, उनमें भी नोट जो है चीज़ें वो किया जा रही हैं, नाम दिखा जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है तो उसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इससे जुड़ी हुई कोई और अपडेट आती है या क्या चीज़ें और निकल के आती हैं वो आपके सामने अपडेट लेकर आएंगे। फिलहाल नरवाल से ये हम आपको जो है लाइव वीडियोस दिखा रहे थे, जहां पर एक डेड बॉडी जो है वो इस ऑयल टैंकर से मौजूद, यानी कि वो देखी गई है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।